नमस्कार दोस्तों, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। काफी दिनों बाद फिर से एक नए वीडियो के साथ और एक छोटा सा पर इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, पाइल्स के लिए स्पेशल क्या क्या मदर टीचर हैं, यहाँ पर कुछ मदर टीचर मैंने रखे हुए हैं जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। पाइल्स का एक सेपरेट वीडियो फुल डिटेल में, जहां पर अलग अलग पोटेंसीज की चर्चा की गई है, नक्स, भूमिका, सल्फर, एस्कुलस, हेप, नाइट्रिक एसिड और भी कई सारी, उनका लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, आप दोनों जगह से देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ पाइल्स के केस में स्पेशल मदर टिंचर क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ लगभग 5 या 6 मदर टिंचर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बोल रखा है कि पाइल्स एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, जहां पर ऐसे व्यक्ति जिन्हें काफी समय से कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री रही है, जहाँ कब्ज की समस्या रही है, जो काफी समय से पेट साफ जिनका नहीं होता है, इन फ्यूचर वहां पर पाइल्स की दिक्कत या फिस्टुला की दिक्कत या फिशर की दिक्कत आना ही आना है। और ऐसे कई सारे अदर कॉज भी होते हैं, कभी कभी आपके साइकोलॉजिकल कॉज, अगर आप स्ट्रेस में लगातार रहते हैं जिसकी वजह से आपके पेट में दिक्कत आती है, पेट की समस्या, गैस्ट्रिक की समस्या बनी रहती है, तो वहां पर भी आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। और भी कई सारे मल्टीपल कॉज है छोटे छोटे, जहां पर आपको कारण बन सकते हैं जिसकी वजह से आपको पाइल्स या बवासीर की समस्या आ सकती है। नेक्स्ट, होता क्या एग्जैक्टली बवासीर में? दोस्तों, बवासीर या पाइल्स में हमारी जो रेक्टल वेन, जहां से हमारा मल त्याग होता है, जहां से मल निकलता है, वहां की जो वेन्स होती हैं उनमें सूजन या इंगोजमेंट आ जाती है, और कभी कभी वो निकल के बाहर भी आने लगती हैं, और एनस के इर्द गिर्द आपके मल द्वार के आसपास सूजन सी आने लगती है, और कुछ कुछ केस में मस्तों का भी फॉर्मेशन हो जाता है, और जब इनकी लेयर काफी पतली हो जाती है तो वो फट के उसमें से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो दो तरह की हमारे पास पाइल्स है, ब्लीडिंग पाइल्स एंड नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, एक जहां पर ब्लड आता है और एक जहां पर ब्लड नहीं आता है। तो इन्हीं की छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास मदर टिंचर है, पायोनिया मदर टिंचर। इस मदर टिंचर का यूज हम लोग तब करते हैं जब पेशेंट के एनस के आसपास में इंजरी जैसा कट गया है, या पस का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा लग रहा है कि चोट सी लग गई है पेशेंट को, और जब वो लैटिंग करने जाता है तो काफी ज्यादा पेन होता है। तो इस केस में, इंजर्ड वाले और पस फॉर्मेशन या चोट वाली केस में, हम पायोनिया ऑफिसिनालिस का यूज करेंगे। 10 ड्रॉप्स गुनगुने पानी में, आधे कप पानी में, लगभग दिन में 3 बार हमें इसे सेवन करना है। नेक्स्ट जो मदर टिंचर है दोस्तों, रेटिनिया क्यू, काफी ज्यादा फेमस मदर टिंचर है और बहुत ही अच्छा यूज होता है। जब पेशेंट को प्रिकिंग सेंसेशन, ऐसा लगता है कि कांटे या कुछ लकड़ी टाइप का या कुछ हार्ड स्ट्रक्चर अगर पिन कर रहा है, चुभन सी हो रही है, तो वहां पर रेटिनिया मदर टिंचर आपको देना है। 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, गुनगुने पानी के साथ, काफी अच्छा रिजल्ट है। अब बात करते हैं अगर ब्लीडिंग हो रही है दोस्तों, तो वहां पर हमें क्या करना है, जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है, पेशेंट डर सा जाता है। तो अगर दोस्तों फ्रेश ब्लीडिंग आ रही, एकदम लाल ब्लड है, तो मिलीफोलियम मदर टिंचर ही आता है, इसकी 10 ड्रॉप दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, अगर फ्रेश ब्लड है और आपको दर्द है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हेमामेलिस मदर टिंचर, ये मिलीफोलियम है और ये हेमामेलिस, हेमामेलिस के केस में जो ब्लड होगा थोड़ा डार्क होगा और पेशेंट को दर्द नहीं होगा, पेनलेस ब्लीडिंग, पर खून जो होगा वो थोड़ा सा डार्क होगा। अगर फ्रेश ब्लड आएगा तो आपको मिलीफोलियम मदर टिंचर लेना है। इन केस आप हेमामेलिस मिलीफोलियम में कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, ब्लड मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली डार्क है या नॉर्मल है, तो एक मदर टिंचर आता है जो कि मेरा काफी फेवरेट मदर टिंचर है, साइनोडॉन डी या साइनोडॉन डेक्टेलियन मदर टिंचर, जो कि हमारी दूब घास से बना हुआ मदर टिंचर है। 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी तरह की ब्लीडिंग में, पाइल्स में आप दें, आप देखेंगे आपको 2 दिन के अंदर, 48 आवर्स के अंदर ब्लीडिंग कंट्रोल होनी ही होनी है। और सिर्फ ब्लीडिंग ही नहीं, ये एनएस के इर्द गिर्द जो स्वेलिंग सी आ जाती है, सूजन सी आ जाती है, पेशेंट को बैठने उठने में दर्द सा महसूस होता है, जलन होती है, ये साइनोडॉन डेक मदर टिंचर उसको भी कम करता है। नेक्स्ट दोस्तों, लास्ट में, क्योंकि ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स और दर्द और बिना दर्द के पाइल्स की हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर एक मदर टिंचर आता है दोस्तों, कैस्कारा सैग्रेडा। पाइल्स के केस में जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, जिनको कब्ज की दिक्कत रहेगी उन्हीं को ये दिक्कत आने वाली है पाइल्स की, तो कैस्कारा सैग्रेडा हमारा पेट साफ करने में, लैट्रिन को सॉफ्ट करने में, स्टूल सॉफ्टनर के रूप में काफी ज्यादा यूज होता है। 10 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम या रात में सोते समय ही 20 से 25 बूंद गुनगुने पानी में आप ले लें, आप देखेंगे सुबह आपका पेट एकदम फ्रेश रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 6 मदर टिंचर की चर्चा की। पायोनिया ऑफिसिनालिस, अगर आपको इंजरी महसूस होती है इर्द गिर्द आपके एनस के मल द्वार के आसपास, तो आपको लेना है। रेटिनिया, अगर आपको चुभन, गड़न या दर्द महसूस हो रहा है, तब लेना है।
हेमा मिलिस मदर टिंचर और मिली फोलियम में हमने कहा हेमा मिलिस में अगर डार्क ब्लड आपको मिल जाता है, जो खून निकल रहा है वो थोड़ा गाढ़ा है, और अगर फ्रेश खून निकल रहा है तो मिली फोलियम, अगर इन दोनों में ही आप कंफ्यूज है तो साइनोडॉन डी मदर टिंचर आता है, वो बहुत अच्छा काम करेगा जो कि स्वेलिंग और ब्लीडिंग दोनों को ही रोक सकता है। और लास्ट में हमने बोला कि कैस्कारा सेग्रेडा नामक मदर टिंचर जो कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं होने देता है, इसको भी आप साथ में लेते रहें। बाकी अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो का लिंक जो कि पाइल्स पे कंप्लीट बना हुआ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आई बटन में दे दूंगा, आप एक बार जरूर देख लें। तो फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर और सभी को नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।